दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ कि देखिए, ये हर गांव में एक ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि जहाँ पर जैसे ये पोखर है, तो इस पोखर का जो पानी है खेतों के किनारे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए, आपको मैं इधर दिखाता हूँ, देखिए आप, जैसे पोखर वहाँ पर है तो पोखर की जो सीलन है वो इधर खेत में इधर आ चुकी है, और इसकी संभावना ये भी है कि ये कहीं ना कहीं से पानी फूट कर खेत में आ सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पानी खेत में आता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ऐसा हर किसान के साथ होता होगा, हर गांव में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर किसान होगा। जैसे यहाँ देखिए कितना पानी है, यहाँ पे पोखर की जो किनारा है, किनारे के नज़दीक तक काफ़ी किनारे पानी आ चुका है। यहाँ देखिए ज़रा पानी, यहाँ पानी है ज़रा, ठीक है। ऐसे ही करके मैं आपको सड़क पर ले जाके दिखाता हूँ, सड़क पर पानी भरा हुआ है, तो सड़क पर निकलने के लिए भी जगह नहीं है। वहाँ क्या दिक्कत है ऐसी सरकार के सामने कि सड़कें नहीं डलवा पा रही। आपको उसी सड़क को दिखाने के लिए लेके चलता हूँ जहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़क पे। तो ये सड़क है, देख पा रहे होंगे आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ होकर एक सड़क है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सामने सड़क पर पानी भरा हुआ है, और इधर आलू आलू की बुवाई हो रही है। अगर इस आलू की बुवाई में कोई पानी आ जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देख पा रहे होंगे निकलने के लिए यहाँ से थोड़ा आगे तक तो जगह है, लेकिन उसके बाद आगे से जगह नहीं है, तो मैं उसके आगे नहीं जा पाऊँगा। तो देखिए पोखर में इतना पानी है, तो कुछ ऐसे तालाब भी हैं जहाँ खाली पड़े हैं, तो इस पानी का क्या होना चाहिए? देखिए भाई, अब मुझे खेत में होके चलना पड़ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम हर गांव में किसी न किसी किसान के साथ ज़रूर होगी, चाहे वो खेत के साथ हो या फिर किसी का घर हो पोखर के किनारे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी एक ऐसे अधिकारी तक ये वीडियो पहुँचे कि जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि हमारी इस परेशानी का सॉल्यूशन हो। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।